नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं सचिन मिश्रा। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। वैशाली के सहदेई ओपी परिसर में विभिन्न कांडों में जब्त देशी एवं विदेशी शराब को उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर राजिया सुल्तान, सहदेई अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष सुनीता कुमारी के नेतृत्व में 3000 लीटर विदेशी एवं 438 लीटर देशी शराब को नष्ट किया गया। मुजफ्फरपुर कांग्रेस आईटी सेल के जिलाध्यक्ष और प्रवक्ता वेद प्रकाश ने जिला कृषि पदाधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वेद प्रकाश ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि कृषि विभाग पूरी तरह दलाल एवं असामाजिक लोगों से घिर चुका है। अब ये सुशासन के अफसर नहीं बल्कि अप्सरा हैं, जिनके संरक्षण में हर वर्ष सहकारिता विभाग एवं फसल क्षतिपूर्ति के माध्यम से करोड़ों रुपए की अवैध उगाही और बंदरबांट की जा रही है। जिला कृषि पदाधिकारी के संरक्षण में सरकारी राशि के गमन और बंदरबांट का एक अवैध यूनिट कार्य कर रहा है, जिसके खिलाफ जिला कांग्रेस के द्वारा निरंतर जिला अधिकारी महोदय, जिला कृषि पदाधिकारी महोदय और राज्य स्तर के कृषि निर्देशक तक से मिलकर लिखित शिकायत कर चुके हैं। ऐसी कौन सी परिस्थिति और मजबूरी है जिनके दबाव में इतने बड़े गंभीर विषयों को दबा करके बार बार रखा जा रहा है। मधुबनी के बेनीपट्टी में पंचायत समिति परामर्शी समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर शामिल हुए। इस दौरान एमएलसी ने कहा कि सदन ही एक ऐसा स्थान है जिसके माध्यम से सदस्य सवाल उठाकर आम जनों की समस्या से सरकार को अवगत करा सकते हैं। बैठक के दौरान सदन में सदस्यों द्वारा बेनीपट्टी को बाढ़ग्रस्त घोषित करने, जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। अपन जीवन रचना करे जनहित के कल्याण करना है, तकर काम करवावे हम सब गोटा काम करे रहो करे छी। ये कोनो योजना अपन हमरा के विकास काल में लेके जेबे ओय काज के हम सब समय रा खून बली, क्योंकि आबे वाला ओकरा प्रमाण पत्र ओय काज हमरा सब के आबे वाला लाभ के दवे ओय हमर प्रमाण पत्र है। मसौढ़ी के बीआरसी भवन में मुंशी प्रेमचंद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत मुंशी प्रेमचंद के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। मौके पर मौजूद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि प्रेमचंद कलम के जादूगर थे। उन्होंने अपनी हर एक रचना में गांव घर का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। बनारस के परिवार में बिल्कुल मध्यम परिवार, जन्म लेने के बावजूद बचपन में ही उनकी शादी कर दी जाती है, लेकिन शादी जो हुई संपन्न घर में। वैशाली के सदर अनुमंडल के भगवानपुर में पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक ट्रक को जब्त किया, जिससे 284 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया। आपको बता दें कि तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए शराब के कार्टून को धान की भूसी में छुपाकर रखा था। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर को धर दबोचा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिहार न्यूज़।